तो एक दिन मैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम खेल रहा था, तभी मैं सोचता हूँ कि हमारी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम फ्यूचर में कैसी दिखाई देगी, क्या इसके ग्राफिक्स और भी ज्यादा हाई हो जाएंगे। और इन सब चीजों को देखने के लिए मेरे पास है एक AI टूल, जिसकी मदद से हम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम को फ्यूचर में देख पाएंगे कि गेम फ्यूचर में कैसा दिखाई देगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देख। तो सबसे पहले हम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में अपने घर को देखेंगे कि हमारा घर फ्यूचर में कैसा दिखेगा। तो मैं ले लेता हूँ एक घर का स्क्रीनशॉट और 3, 2, 1 गो। और भाई इस AI ने तो हमारे घर को बिल्कुल ही फ्यूचरिस्टिक बना दिया है। और इस AI ने तो हमारे कैरेक्टर के कपड़ों को भी चेंज कर दिया है, बाकी सभी AI ने सही बनाया है। लेकिन जो हमारे घर के बाहर फॉर्च्यूनर खड़ी थी, उसका AI ने कुछ मास्क टाइप बना दिया है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो हमारी नेक्स्ट लोकेशन है एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट को अपडेट के बाद थोड़ा चेंज किया गया है। तो अब मैं एयरपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो अब देखते हैं कि एयरपोर्ट फ्यूचर में कैसा दिखेगा। तो 3, 2, 1 गो। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि हमारा एयरपोर्ट फ्यूचर में कैसा लग रहा है। और फ्यूचर में हमारा वेदर भी पिंक हो चुका है, लेकिन इस बार हमारे कैरेक्टर के कपड़े थोड़े से चेंज हो गए हैं, बाकी ये पिक्चर देखने में सही लग रही है। तो गाइज एयरपोर्ट के साथ साथ हम एरोप्लेन को भी देख लेते हैं कि एरोप्लेन कैसा दिखेगा। तो 3, 2, 1 गो। तो फ्यूचर में कुछ इस तरह से हमारा एरोप्लेन दिख रहा है। और इस बार तो इस टकले के सर पर भी बाल आ गए हैं, लेकिन इस बार AI ने एयरपोर्ट की जमीन को रेगिस्तान में बदल दिया है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। और हमारी अगली लोकेशन है पुलिस स्टेशन, और मैं आ गया हूँ पुलिस स्टेशन पर। तो अब देखते हैं कि हमारा पुलिस स्टेशन फ्यूचर में कैसा दिखेगा। तो 3, 2, 1 गो। और इस बार तो AI ने पुलिस स्टेशन के चारों तरफ लाइट्स लगा दी है, और ये पुलिस स्टेशन कम नाइट क्लब ज्यादा लग रहा है, बाकी ये इमेज भी देखने में ठीक ठाक लग रही है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो हमारी अगली लोकेशन है न्यू कार शोरूम, और यहाँ से मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो 3, 2, 1 और भाई AI ने कार शोरूम को फ्यूचर में कुछ इस तरह से बनाया, लेकिन फ्यूचर में हमारे शोरूम के आगे एक दीवार खड़ी हो गई है। पर जो भी हो, AI ने शोरूम को बिल्कुल ही रियलिस्टिक बनाया है। तो गाइस अब चलते हैं अपनी नई लोकेशन पर, जिसे हम AI की मदद से फ्यूचर में देख पाएंगे। लेकिन एक सेकंड, पिछले अपडेट में हमारी गेम में कंस्ट्रक्शन एरिया ऐड हुआ था, तो क्यों ना उसी कंस्ट्रक्शन एरिया को फ्यूचर में देखें कि वो फ्यूचर में देखने में कैसा लगेगा। और कंस्ट्रक्शन एरिया भी हमारे शोरूम के पास में ही है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं कंस्ट्रक्शन एरिया में, लेकिन मैं इसकी इमेज लूं कहां से। 1 hour later और थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे पता चल गया है कि इसकी इमेज कहां से लेनी है। तो 3, 2, 1 गो। तो गाइस AI ने हमें ये इमेज बना के दे दी है, और ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक भी लग रहा है। लेकिन AI ने कंस्ट्रक्शन एरिया की जमीन को समंदर में बदल दिया है, और इस इमेज में भी हमारे कैरेक्टर के कपड़े और सर पर बाल आ गए हैं, और ये इमेज भी देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। तो गाइस अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो अगली जो लोकेशन है वो है हमारी रेलवे स्टेशन, तो चलते हैं रेलवे स्टेशन पर। तो गाइस मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया हूं, अब जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन की इमेज ले लेते हैं, ताकि इसे फ्यूचर में देख सके कि हमारा रेलवे स्टेशन फ्यूचर में कैसा दिखेगा। और ये एंगल मुझे सही लग रहा है। तो 3, 2, 1 गाइज आप लोग देख सकते हो कि इस AI ने क्या सही इमेज बनाई है। पूरा रेलवे स्टेशन बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है, और AI ने इस इमेज में वेदर की कंडीशन बिल्कुल पिंक कर दी है, जो देखने में बहुत बढ़िया लग रही है। और AI ने ट्रेन का कलर भी चेंज कर दिया, बाकी और सब भी AI ने सही बनाया है। तो गाइज अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट लोकेशन पर। लेकिन एक सेकंड, क्यों ना सामने वाली सिटी को भी देखे कि ये फ्यूचर में देखने में कैसी लगेगी। और ये बना दी है AI ने फ्यूचर सिटी, मेरा मतलब है कि हमारी सिटी फ्यूचर में देखने में कुछ ऐसी दिखाई देगी। और इस बार तो हमारे टकले के भी कपड़े चेंज हो गए हैं, बाकी ये इमेज भी AI ने ठीक बनाई है। तो अब चलते हैं अपनी आखिरी लोकेशन पर। तो हमारी लास्ट लोकेशन है पेट्रोल पंप, तो गाइस अब देखते हैं कि हमारा पेट्रोल पंप फ्यूचर में कैसा दिखाई देगा। तो 3, 2, 1 और भाई इस बार तो AI ने पेट्रोल पंप को बिल्कुल ही रियलिस्टिक बना दिया है, लेकिन इस बार AI ने प्रॉपर तरीके से इमेज नहीं बनाई है। तो गाइस इस वीडियो में हमने AI की मदद से देखा कि हमारा इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के फ्यूचर में कैसा दिखेगा। बाकी वीडियो गाइस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब याद से कर देना। और अगर आपको भी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के टॉप 5 अमेजिंग ग्लिच देखने हैं, तो आपके सामने एक वीडियो आ रहा होगा, उस वीडियो को देखो। और मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में।